मीडिया बढ़ गई है अभी जाओ भाई आगे जाओ बाइट लेना। दिलीप साहब को मैं एक एक्टिंग की यूनिवर्सिटी का हूँ, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो ये दावा करे कि मैं कभी ना कभी दिलीप साहब के काम से प्रभावित हुई, कोई भी नहीं। तो उन्होंने एक्टिंग नहीं की, उन्होंने एक्टिंग के साथ तपस्या की, एक्टिंग की तपस्या की, उन्होंने एक्टिंग की आराधना की, पूजा की, इबादत की। यही वजह है कि आज जो उनके करोड़ों जाने वाले हैं वो बतौर एक्टर दिलीप की इबादत वो काबिल इबादत। तो ऐसा एक्टर इतना एजुकेटेड एक्टर जिसे कभी पैसे की लालच नहीं, अगर किसी चीज़ की लालच थी उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्क्रिप्ट की थी, अच्छे किरदार की थी, और वो किरदार उन्होंने निभाए नहीं, वो किरदार उन्होंने अच्छी है। वो अंदाज का एक साइलेंट लवर हो, वो देवदास का एक टूटा हुआ शख्स हो, नौमी वो मुगल आजम का एक बाबी सलीम, या वो गंगा जमुना का एक अनुपम जाहिल था, ऐसी उन्हें रही थी, ऐसी उन्होंने खुशी सही है इस सारे उन्होंने के साथ, जिसकी मिसाल जो है मिलेगी नहीं। जो हमारा 125 साल का इतिहास दिलीप कुमार एक था, एक हजारों साल लड़की से अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चुनौती का, एक आया चला दूसरा कब आएगा।